And I'd like to wish her a very, very happy birthday. Katrina Kaif को अपने birthday पर इन wishes से ही काम चलाना पड़ेगा। इस बार भी Katrina के birthday पर नहीं होगी कोई party, क्योंकि birthday है Katrina Kaif का और किसी और को party देते घूम रहे हैं सलमान खान। Katrina को नहीं, सलमान खान की किसी एक्स गर्लफ्रेंड को मिली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एंट्री। और तो और, सलमान खान भी इस पार्टी में शामिल होने पहुंचे। जी हाँ, ये तो आपको पता होगा ही कि 16 जुलाई को होता है Katrina Kaif का बर्थडे, और पिछले कुछ सालों से Katrina अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट करने से बचती आ रही हैं। इसका रीजन भी सबको पता है कि Katrina के बर्थडे पर क्यों नहीं होता कोई बड़ा बैश। जी पिछले बर्थडे में काफी मजा आया था चार साल पहले Katrina की बर्थडे पार्टी में हुए सलमान खान और शाहरुख खान के झगड़े के बाद से बॉलीवुड सेलेब्स Katrina को दूर से ही बर्थडे विशेस भेजते आ रहे हैं। अरे कैट को फोन करके बधाई देंगे ना। कोई Katrina को फोन करके विश करता है तो कोई मिलकर, लेकिन कोई बड़ा बैश ना होने की वजह से सबको एक साथ Katrina को विश करने का मौका नहीं मिलता। उस पर अगर पता चले कि Katrina Kaif को नहीं बल्कि सलमान खान ने अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने ही घर पर दी है एक बर्थडे पार्टी, तो Katrina के साथ साथ पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को तो बुरा लगना ही है। लेकिन पूरी बात पता चलने पर शायद Katrina और सलमान खान के फैंस राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि सलमान खान के घर पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली उनकी वो एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि संगीता बिजलानी हैं, जो क्रिकेटर अजहरुद्दीन से अपने डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज के लिए आजकल मुंबई में कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रही हैं। रिपोर्टेडली इस बार 9 जुलाई यानी अपने बर्थडे पर संगीता कुछ गेस्ट्स के साथ मुंबई में थी, लेकिन उनके बर्थडे पर होने वाला ये छोटा सा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट के साथ कुछ इश्यूज की वजह से लास्ट मोमेंट पर हो गया कैंसिल। इस बात की खबर लगते ही सलमान खान की फैमिली ने संगीता और उनके मेहमानों के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में पार्टी ऑर्गेनाइज कर डाली, जिसकी सबसे खास डिश थी सलमान खान की माँ के हाथ की बिरयानी। उस पर सलमान खान भी इस पार्टी में पहुंच गए और इस छोटी सी पार्टी को वैसा ही धमाकेदार बना दिया जैसा पिछले साल Katrina के बर्थडे पर अपने घर पर रखे लंच को सलमान ने बना दिया था स्पेशल। वैसे पिछले साल की तरह इस साल भी एक था टाइगर के प्रमोशंस में शामिल होने आई Katrina मुंबई में ही है। वो फिल्म की बची हुई डबिंग का काम पूरा कर रही है। इसी दौरान उन्हें आमिर खान के साथ अपनी यशराज की फिल्म के लिए कुछ ट्रेनिंग से गुजरना है। जिन तीसरे खान यानी कि शाहरुख खान के साथ Katrina यशराज की फिल्म में काम कर रही हैं, वो भी लंदन में अपने फैमिली हॉलीडे से Katrina के बर्थडे पर ही वापस आ रहे हैं। यानी Katrina के बर्थडे पर सलमान खान के घर पर हुई उनकी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी वो ट्विस्ट नहीं है जिससे सलमान खान के फैंस को कोई फर्क पड़ने वाला है। उन्हें तो इंतजार रहेगा एक दूसरे ही ट्विस्ट का। Katrina के बर्थडे पर Katrina और बॉलीवुड के तीनों टॉप खान्स अगर मुंबई में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे में कोई बड़ा ट्विस्ट आ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। हाय, दिस इज ओमर कुरैशी। फॉलो ज़ूम टीवी ऑन ट्विटर एंड गेट बॉलीवुड न्यूज़ एंड हैपनिंग्स 24/7।